गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज है संडे और अभी हम जा रहे हैं बाहर और हम लोग जा रहे हैं बुक फेयर। हांगकांग में बुक फेयर लगा है तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं और टिकट हमने पहले ही परचेज कर लिए थे। सो बस अब हमें जाना है और अगर हम शूट कर पाए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और जहाँ हम जा रहे हैं मे बी एक दो चीज़ें हम आपको वहाँ के भी दिखाएं। तो हम वांचा एरिया जा रहे हैं हांगकांग के। सो चलिए फिर आपको भी साथ लेके चलते हैं। और आज मौसम है काफ़ी ऑसम, मतलब कि बारिश हुई थी सुबह और अभी ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है। तो बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का वेदर है, आज काफ़ी क्लाउडी है। सो चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस, कम ऑन लेट्स गो। देखिए गाइस, अभी हम हैं वांचा एरिया में और अब सामने जहाँ पे आपको टेंट्स दिख रहे होंगे ना, एक्चुअली हमें उस बिल्डिंग में जाना है, उस बिल्डिंग से होते हुए जाना है। सो अभी हम इस तरफ हैं और यहाँ पे देखिए कितना भीड़ थी और काफ़ी लंबी लाइन थी। हमें अराउंड 1.5 घंटा लगा अंदर तक पहुँचने में बुक फेयर के, और इन्होंने ना काफ़ी लंबा पैसेज बना रखा था शायद इसलिए कि अंदर के लोग पहले बाहर आ जाएँ और फिर बाहर वाले अंदर जा पाएँ। तो ये है गाइस बुक फेयर के अंदर का व्यू। सो देखिए कितने सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे और सब जगह लिखा हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ऑन। तो आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जिसने मास्क नहीं लगाया हो। सो हम लोग भी बुक्स जो है देख रहे थे क्योंकि कुछ ही इंग्लिश के हमें काउंटर्स मिले तो वहाँ पर हम अच्छे से बुक सर्च कर रहे थे। तो चलिए फिर आप लोग इन्जॉय कीजिए, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बुक फेयर से हम बाहर आ गए गाइस और ये है बाहर का वांचाई का जो पायर होता है उधर का व्यू। सो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है मंडे और आज से शुरू हो गए हैं सावन। सो आप सभी को हैप्पी सावन। सो आज मेरा भी फास्ट है मंडे का, सावन के सोमवार जैसे कि हम लोग रखते हैं। सो मैंने भी फास्ट किया है और मैं बैठी थी और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ हम अपना बुक फेयर का रिव्यू शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या वहाँ से लेके आई हूँ। सो हम लोग गए थे बुक फेयर जो कि लगा है यहाँ पे वांचाई में। तो बुक फेयर तो काफ़ी अच्छा था और साथ ही में काफ़ी सारी बुक्स थी वहाँ पे। सो इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा कम था बट ठीक है, जो इंग्लिश सेक्शन थे उसमें काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल थी। तो मुझे लगता कि जो इंग्लिश रीडर्स हैं उनके लिए कुछ कमी होगी वहाँ पे। और चाइनीज़ और कैंटोनीज में काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी और दो फ्लोर पे था बट हम लोग दोनों फ्लोर नहीं घूम पाए, हम इतना थक गए थे एक फ्लोर घूम के कि हम एक फ्लोर से ही वापस आ गए। सो और वैसे भी हम कुछ बजट सेट करके गए थे कि हम सिर्फ इतनी की ही बुक्स लेंगे, तो उतने के अंदर जितनी बुक्स आई हमने ली और हम लोग वापस आ गए। सो इसीलिए भी हम एक ही फ्लोर पर गए थे और दूसरे फ्लोर पे, मतलब थर्ड फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम थर्ड फ्लोर पे नहीं गए। और लिटरली हमें बुक फेयर के अंदर पहुंचने में 1.5 घंटा तो लगा ही लगा। सो हम लोग अराउंड 12:30 के आसपास अपने घर से निकले थे और हम अराउंड 1 o'clock आई गेस हम वांचाई पहुंच गए थे। सो वांचाई मेट्रो स्टेशन से उन्होंने पूरा एक पैसेज बना रखा है जिसके थ्रू आपको जाना होता है और उसके बाद आप बुक फेयर के अंदर जाते हैं। मे बी ये इसलिए है क्योंकि अंदर ज़्यादा भीड़ एक्यूमुलेट ना हो, सब लोगों को आराम से बुक्स देखने के लिए मिले, इसलिए लोग निकलते रहते हैं और वो उसी हिसाब से लोगों को अंदर सेंड करते रहते हैं। और हमने टिकट ऑलरेडी परचेज कर लिया था। सो 1.5 घंटा चलने के बाद हम अल्टीमेटली बुक फेयर के अंदर पहुंचे, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए भी सिर्फ हम एक फ्लोर कवर करके वापस आ गए।
बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑप्शन था। अगर कोई हांगकांग में रह रहा है तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं। 20th तक, 20/2020 तक जो है बुक फेयर अभी चल रहा है, और इसके जो टिकट्स हैं, वाउचर्स, मतलब जो टिकट्स हैं वो आपको 7-Eleven स्टोर पे, सर्कल के पे भी मिल जाएंगे, 7-Eleven पे मिल जाएंगे, बाकी हम वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर वेटिंग काफ़ी लंबी है, लाइन काफ़ी लंबी रहती है। हम वीकेंड पे गए थे तो मे बी ज़्यादा लंबी लाइन थी, बट हो सकता है जो लोग वीक डेज पे रहे उन्हें थोड़ी कम लाइन मिले। सो बुक फेयर का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था, और मैंने सुना है कि हर साल हांगकांग में बुक फेयर होता है। लास्ट ईयर नहीं हुआ था कोविड की वजह से, बट इस साल यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। अराउंड 40 डेज हो गए हैं यहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है। सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। हाँ, बट मास्क अभी भी कंपलसरी है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं उसके बाद भी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ, मतलब कितनी बुक्स लेके आई हूँ। ऑब्वियसली बुक फेयर में गई थी तो बुक्स ही लेके आई होंगी। सो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ। सो ये देखिए पूरा मैं बुक्स लेके आई हूँ। सो ये अराउंड 8 बुक्स हैं, और हम लोग जितना डिसाइड करके गए थे उतने के अंदर हम 8 बुक्स लेके आ गए हैं वहाँ से। अगर नॉर्मली मैं हांगकांग में प्राइजेस की बात करूँ तो बुक्स आपको अराउंड $70 से लेके ऊपर तक की लिमिट पे मिलती हैं, बट मोस्टली जो मैं बुक्स लाई हूँ वो मुझे अराउंड 90-100 डॉलर्स के बीच में मिलती हैं, बट ये एक बुक। लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी सस्ती बुक्स लाई हूँ, कई बुक्स मुझे $29 की भी पड़ी हैं, यानी $29 की। सो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और मैं काफ़ी सारी बुक्स खरीद के लाई हूँ, तो मेरा एक साल का कोटा लगभग पूरा हो गया है। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू करूँगी। सो कुछ बुक्स मेरे पास पहले नहीं थी, वो ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। सो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी बुक्स लाई हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी इस वीडियो को। सो मैंने सोचा एक शॉर्ट एंड क्रिस्प सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और हम क्या लेके आए बुक फेयर से। सो आई होप आपने बुक फेयर के अंदर का देख लिया होगा। हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक्स लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये है डैन ब्राउन की डिसेप्शन पॉइंट। मैंने डैन ब्राउन की एक भी नॉवल अब तक नहीं पढ़ी है। मैंने सुना है ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं, बट ये थोड़ा अलग तरह का लिखते हैं। सो आई एम नॉट श्योर मुझे इनकी राइटिंग पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, क्योंकि ऐसे मैंने सुना है कि हर किसी को इनकी राइटिंग पसंद नहीं आती है और हर किसी को समझ में भी नहीं आता इन्होंने क्या लिखा है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस बुक के साथ जस्टिस कर पाऊँ। और डैन ब्राउन की काफ़ी सारी बुक्स पर बहुत सारी मूवीज़ भी चुके हैं, जैसे इन्फर्नो और डा विंची कोड। उसके अलावा एक और मूवी है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ 20-20 करके, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा। डिसेप्शन पॉइंट का मुझे नहीं पता है कि अगर बनी है कि नहीं बनी है, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो डिसेप्शन पॉइंट है पहली नॉवल। उसके बाद मैं लाई हूँ जैक रीचर की एक नावल। सो जिनको नहीं पता है, जैक रीचर बहुत थ्रिलर नावल लिखते हैं, मर्डर थ्रिलर टाइप्स या गोस्ट थ्रिलर टाइप्स। सो ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है। तो ये है ली चाइल्ड वर्थ डाइंग फॉर। सो ये मैं लाई हूँ जैक रीचर की। और मर्डर मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज, थ्रिलर, सस्पेंस, ये मेरा फोर्टे है। मुझे ऐसी नॉवल्स बहुत पसंद आती हैं। फिक्शन भी मुझे पसंद आती है, लेकिन सॉरी नॉन फिक्शन भी मुझे पसंद आती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो पसंद आती हैं। सो सस्पेंस नॉवल्स मुझे हमेशा पसंद आती हैं। उसके बाद एक हम ये लाए हैं हाउ टू मेक अ मिलियन बिफोर लंच। सो ऐसे ही थोड़ी अच्छी सी लगी थी जब हम इसे पढ़ रहे थे तो हम लोग ले आए हैं। और उसके अलावा हम लाए हैं ये। सो ये है पोस्ट वॉर हिस्ट्री ऑफ यूरोप सिंस 1945। तो ये टोनी नाम के कोई राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। सो 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का कैसा हाल था, यूरोप में कैसी ग्रोथ हुई, कैसी सारी चीज़ों में, उस पर बेस्ड है ये नॉवल। सो देख लीजिए, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं क्योंकि उन्हें इस तरह हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी पढ़ लेती हूँ कभी कभार। मैंने अभी रिसेंटली जो एक नॉवल पढ़ी थी सॉल टू सी, वो एक्चुअली 1945 वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू पे ही बेस्ड थी। भले ही वो एक फिक्शन थी, लेकिन थी वो वर्ल्ड वॉर टू पे बेस्ड। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी बताई गई थी वो असली थी, वो ट्रुथ था। सो उसके बाद मैं लाई हूँ ये ब्रेथलेस
फर्स्ट लव विल लीव यू ब्रेथलेस, तो ये जेनिफर नेवन की नॉवल है और ये भी नंबर वन बेस्ट सेलर है और काफ़ी इसके पेजेस काफ़ी अच्छे हैं, देखिए इस तरह से। सो ये जो ऐसे येलोइश टाइप के पेज होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करते आपकी आइज़ में, और जब आप लाइट के नीचे से पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो आपको हमेशा इस तरह के पेजेस खरीदने चाहिए, वाइट पेजेस नहीं खरीदने चाहिए नॉवल्स में। सो ये लाई हूँ मैं ब्रेथलेस। उसके अलावा उसके बाद मैं लाई हूँ ये है अनबिलीवेबल। इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बन चुकी है, मैंने मूवी नहीं देखी क्योंकि मैं इसकी नॉवल पढ़ना चाहती थी। सो अगर आप चाहें तो आप मूवी भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसी नाम से शायद मूवी बनी है, अनबिलीवेबल। सो ये भी कुछ सस्पेंस टाइप की मतलब डिटेक्टिव नॉवल है। सो ये मैं लेके आई हूँ अनबिलीवेबल। उसके बाद मैं लाई हूँ जो काफ़ी नॉवल बिकी है, सो ये है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। सो ये रिलेशनशिप नॉवल है, रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैन वुमेन के क्या क्या होते हैं और कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं, मैंने कहीं पर सुना था कि ये नॉवल आपको पढ़नी चाहिए, सो लेट्स सी कि ये कैसी होती है। उसके अलावा जो लास्ट में नॉवल्स लाई हूँ वो है ये जॉनेथन केलेमैन की बोन्स। सो ये भी एक मर्डर पे बेस्ड है। सो ये एक उसे क्या बोलते हैं सीरियल किलर। सो एक सीरियल किलर टाइप की स्टोरी है इसमें कुछ। सो मैं देखूंगी पढ़ के कि मुझे कैसी लगती है, और इसके पेजेस मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं बट कोई बात नहीं, ये सिर्फ $29 की है, सो वर्थ बाइंग फॉर। सो इसलिए मैंने खरीदी है और मुझे इसका प्रोलॉग भी काफ़ी अच्छा लगा था। सो अब मैं पढ़ के देखूँगी कैसी है। अभी ऑलरेडी मेरे पास नॉवेल्स पढ़ी हुई हैं जो मुझे पढ़नी है, तो अभी मेरे पास दो नॉवेल्स हैं अभी ऑलरेडी जो मैंने पहले की नहीं पढ़ी हैं। सो उसमें से आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ इलानरन पार्क, ये भी एक बेस्ट सेलर है। और उसके अलावा एक और है मेरे पास स्टीफन किंग की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बट स्टीफन किंग की मेरे पास कोई नॉवल है। सो ये था हमारा शॉपिंग जो हम करके लाए थे बुक फेयर से, अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए ले लेते हैं। और मौसम की अपडेट देती हूँ मैं आप लोगों को, आज का मौसम बहुत ही ग्लूमी है क्योंकि वापस से बारिश शुरू हो गई है, कल भी बारिश थी आज भी बारिश है, बट कल बारिश थी अच्छी बात थी क्योंकि हम बाहर गए थे हवा चल रही थी, नहीं तो इतनी भीड़ में इतनी गर्मी में पता नहीं हम कैसे करते। सो कल का तो सही था लेकिन आज तो बहुत ही अलग सी बारिश हो रही है। अभी आप लोगों को दर्शन कराते हैं और मेरे ख्याल से इस हफ्ते पूरे हफ्ते बारिश रहेगी। सो बस यही सोचा था कि आप लोगों के साथ बुक शेयर कर देती हूँ, एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और रेसिपी वगैरह मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ इसमें, कुछ और शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा तो फास्ट है और अपने हस्बैंड के लिए मुझे बनाना होगा थोड़ा बहुत, अपने लिए भी बनाऊँगी शाम को, बट वो तो बेसिक सा खाना होता है तो वो देख के आप क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ मज़ा तो आएगा नहीं। बट हाँ जल्दी मैं एक रेसिपी का व्लॉग शेयर करूँगी, मैंने एक रेसिपी ट्राई की थी वो काफ़ी अच्छी बनी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को वो नहीं आती होगी बनानी या बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस तरह से भी बन सकती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बट आज नहीं शेयर करूँगी। तो चलिए जाने से पहले मैं आप लोगों को मौसम का एक हाल दिखा देती हूँ और फिर आपसे करेंगे बाय बाय। सो पहले मौसम का हाल, सो ये देखिए गाइस मौसम के हाल कैसे हो रहे हैं, और मेरे कपड़े बिल्कुल सूखे नहीं हैं, दो दिन हो गए हैं कपड़े डाले हुए और अभी भी झमझम 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 बारिश हो रही है। वहाँ देख रहे हैं पूरा रिवर के ऊपर पूरा फॉग 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 हो रहा है, सो कुछ इस तरह से पूरे यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। सो ग्लूमी ग्लूमी हो गया वेदर काफ़ी, लेकिन ठीक है ठंड भी हो जाती है इससे, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। सो ये देख लीजिए देखने में बहुत अच्छा लगता है वैसे। सो कैसा लगा गाइस आपको वेदर, आप लोगों को तो अच्छा ही लगा होगा, वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है बट थोड़ा सा ग्लूमी हो जाता है, बट ठीक है क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और गर्मी कम होती है। वैसे हांगकॉन्ग में गर्मी कम ही होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट फिर भी ह्यूमिडिटी की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमिड लगता है। सो चलिए विद दिस मैं जो है आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग बनाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था एक्सपीरियंसेस वगैरह हमारे बुक फेयर के कैसे रहे और हम क्या क्या बुक्स लेके आए।
सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी और होप करते हैं कि वो एक रेसिपी का व्लॉग होगा. सो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.